नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास है एक मेटालिक रोड जिसकी लेंथ हमें गिवन है स्मॉल एल। इसे आप फिगर में देख भी सकते हो। इसको हमें रोटेट करवाना है। सपोज हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं कीपिंग इट्स वन एंड फिक्स्ड। जो पॉइंट ओ है ये इसका फिक्स्ड एंड है जबकि पॉइंट ए मूविंग एंड का कोई पॉइंट है। एंड ओ इज फिक्स्ड एंड ए कैन मूव इन सर्कुलर पाथ। सपोज हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं। पी कोई भी पॉइंट है इस रोड के ऊपर एनी जनरल पॉइंट। और जो ये रोड है इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है परपेंडिकुलरली इनवर्ड जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। तो जब हम रोड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे एक करंट इंड्यूस होगा रोड के अंदर जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। उस करंट का अमाउंट क्या होगा या फिर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी जिसकी वजह से वो करंट होगा उस ईएमएफ का अमाउंट क्या होगा वो हमें निकालना है। ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगी उसका मैग्नीट्यूड हमें भी निकालना है। इसके लिए हम सपोज पहले एक पॉइंट कंसीडर करते हैं लाइंग ऑन द रोड पॉइंट पी। इस पॉइंट पर सपोज कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब हम रोड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी रोड के साथ मूव करेगा विद स्पीड वी। सपोज हम रोड को वी स्पीड के साथ रोटेट करवा रहे हैं तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रोड की मूवमेंट की डायरेक्शन सेम ही होगी जिसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर परपेंडिकुलरली इनवर्ड है तो लोरेंस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फिगर में शो की हुई है जिसको हमने कैपिटल एफ से स्पेसिफाई भी किया हुआ है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पॉइंट पी से पॉइंट ए की तरफ मूव करना चाहेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोरेंस फोर्स। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हमें बी की डायरेक्शन पता है मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। करंट की डायरेक्शन पता है वेलोसिटी के अपोजिट है। वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ये है तो करंट की डायरेक्शन ओबवियसली के अपोजिट होगी। तो लोडिंग फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स आउटर एंड ऑफ द रोड मीन्स टुवर्ड्स पॉइंट ओ। तो अभी हमें हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से है। एक इलेक्ट्रॉन को हमने कंसीडर किया। सिमिलरली सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भी रोड के अंदर हैं वो फोर्स फील करेंगे टुवर्ड्स एंड ए ऑफ द रोड और वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे करंट फ्लो करेगा मतलब। तो अभी हम सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी पहले वो निकालते हैं। सपोज हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं रोड के ऊपर जिसकी लेंथ है dx। रोड की टोटल लेंथ स्मॉल l है। dx एक स्मॉल एलिमेंट है जो हमने रोड के ऊपर लिया हुआ है।
यहाँ पर वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी। तो जब डीएक्स एलिमेंट मूव करेगा अलोंग द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी? बीवी डीएक्स, स्मॉल ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगी डीएक्स एलिमेंट के मूव करने की वजह से, क्योंकि रोड अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो डीएक्स एलिमेंट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ये वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू बी वी एल फैमिलियर है, तो यहां पर एल की वैल्यू हम डीएक्स ले सकते हैं। तो ये स्मॉल ईएमएफ की वैल्यू आ गई जो स्मॉल एलिमेंट डीएक्स में होगी, इंड्यूस्ड होगी। लेकिन अभी हमें टोटल ईएमएफ निकालनी है। टोटल ईएमएफ के लिए हम कैलकुलस यूज करेंगे और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे हमारे पास टोटल ईएमएफ जो रोड के अंदर इंड्यूस होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम एक चीज नोट कर सकते हैं, बी कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन इस बाहर लिया है। वी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है डीएक्स एलिमेंट की। लीनियर वेलोसिटी को अगर हम एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करते हैं तो हमें ओमेगा एक्स लेना पड़ेगा। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। एक्स क्या है यहाँ पर? जो हमने पॉइंट कंसीडर किया हुआ है वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, पॉइंट पी भी हो सकता है, ये पॉइंट पी रोड पर कहीं भी लाई कर सकता है। और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो पॉइंट पी है वो पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस दूर है, मतलब O से P तक का जो सेपरेशन है वो X है। पॉइंट P कैन लाई एट एनी पॉइंट ऑन द रोड। तो लीनियर स्पीड को हमने एंगुलर स्पीड में चेंज किया, ओमेगा X। अब इसको अगर हम फर्दर इंटीग्रेट करें तो ओमेगा अगेन कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो X का इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में लिमिट्स की वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रूम व्हेन वी रोटेट इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो भी इतनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, सिर्फ करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अभी करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, जबकि हम रोड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे।